हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट क्या होता है ना। तो एलिमेंट क्या होता है, जो केवल एक ही टाइप के एक ही काइंड के एटम से मिलके बना होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सब एक ही तरह के एटम से मिलके बने हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, एलिमेंट। ठीक है, अब द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। ओके, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटल्स एलिमेंट को। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अब इनकी प्रॉपर्टी हमें इनकी प्रॉपर्टी को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैलिएबल, टैक्टाइल, ब्रिटल, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना। तो मैलिएबल क्या होता है, मैलिएबल मीन्स विच कैन बी बिटन विद अ हैमर टू फॉर्म थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। ओके, डक्टाइल क्या होता है, मीन्स विच कैन बी स्ट्रेस्ड और ड्रॉन टू फॉर्म थिन वायर्स। ठीक है, ब्रिटल मीन्स विच ब्रेक्स इंटू पीसेज ऑन हैमरिंग और स्ट्रेचिंग। ओके, लस्ट्रस मीन्स शाइनी। ओके, सोनोरस मीन्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रिंगिंग साउंड। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स अगर हम देखें तो मेटल्स किसको कहते हैं, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल एलिमेंट विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसकी अगर हम प्रॉपर्टी देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब प्रॉपर्टी, जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस और शाइनी होते हैं। ठीक है, सोनोरस होते हैं, हार्ड एंड स्ट्रांग होते हैं, कैन नॉट बी कट इजीली। ठीक है, जब हार्ड होंगे तो क्या होगा, इजीली कट नहीं हो पाएंगे, इनका क्या होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। हैव हाई डेंसिटी का मतलब है कि जो मेटल्स होते हैं वो हैवी होते हैं। सॉलिड्स होते हैं, सारे ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स बट एक्सेप्ट मरकरी, जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, मैंने इनके सिंबल लिखे हैं बेटा, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। ठीक, अब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन मेटल्स, अब उसके अपोजिट, जैसे कि हमने क्या किया था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी किसकी, मेटल्स की, तो लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं मेटल्स, बट जो नॉन मेटल्स होंगे वो क्या होंगे, डल होंगे। ठीक है, लस्ट्रस नहीं होंगे, शाइनी नहीं होंगे, हार्ड एंड स्ट्रांग नहीं होंगे, सॉफ्ट होंगे, सोनोरस नहीं होंगे और इजीली कट हो जाएंगे। ठीक है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, हैव लो डेंसिटीज़ होंगी। तो ये इसके अपोजिट जो सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो किसके होते हैं, नॉन मेटल्स के। ठीक है, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर नेदर मैलेबल नॉर डक्टाइल, दे ब्रिटल। ठीक है, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल्स क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होते, मतलब कि वो पुअर कंडक्टर होते हैं। कुछ जो सिंबल्स मैंने लिखे हैं, मैंने यहाँ पर सिंबल्स लिखे हैं, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। मेटलॉइड्स मतलब कि दो जिसमें क्या होगी, मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होगी, कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की होगी और कुछ प्रॉपर्टी जो होगी वो नॉन मेटल्स की होगी, मतलब कि ये दोनों के इंटरमीडिएट होगा, तो उनको क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स में जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब होते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हम वन बाय वन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या होता है वो ये पढ़ेंगे। ठीक है, मैलेबिलिटी, मेटल्स आर मैलेबल, मतलब कि अगर हम इसको हैमर से इसको मारेंगे शीट में, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, शीट में चेंज हो जाता है, तो इसकी इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मैलेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, मेटल से क्या होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकता है, जो क्या होगा, आयरन इसमें तो होता है वो क्या करता है, एक ब्लॉक मेटल आयरन की ब्लॉक से क्या कर लेगा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना लेता है। ठीक है, तो ये इसी प्रॉपर्टी के कारण बनाता है, किस प्रॉपर्टी के, मैलेबिलिटी। ठीक है,
नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मेलेबल नहीं होते, मतलब कि अगर आप उसको हैमर से इसको नॉन मेटल्स को मारोगे तो वो क्या होगा, शीट में ना चेंज होके वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो वो क्या होता है, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब कि हम उसको स्ट्रेच करेंगे, ऐसे उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो किस में, वायर में चेंज हो जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। तो मेटल्स आर डक्टाइल, ठीक है। द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी ड्रॉन इन टू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही क्या है, मेटल है, इसी के कारण ये क्या बनाते हैं, इससे ज्वेलरी बच जाती है, ठीक है, तरह तरह का डिजाइन उसमें बन जाता है। ओके, तो नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, होते हैं कि नहीं। जो सिल्वर मेटल होता है इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन हम ये क्या होगा, बेस्ट कंडक्टर होता है तभी भी इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा सिल्वर यूज़ नहीं होता। वाय, कभी सोचा है कि सिल्वर बोलते हैं कि बेस्ट कंडक्टर होता है, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। कॉपर वायर जो होती है वो भी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, इसीलिए कॉपर वायर को क्या इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, उससे चीप होता है, ठीक है। गुड कंडक्टर्स, हम गुड कंडक्टर्स ऑफ क्या होता है, मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं किसके, हीट एंड हीट के, इसीलिए यूटेंसिल्स किस में यूज़ होता है, होता है कि नहीं। अब यूटेंसिल्स के आपने कभी देखा होगा कि जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक के या वुड के बने होते हैं, वाह, क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, यूटेंसिल्स को एज इट इज़ उठा लेंगे तो वो क्या होगा, हमारा हाथ जल जाएगा, लेकिन क्या होता है, उसके हैंडल्स जो होते हैं वो क्या प्लास्टिक या फिर वुड से बने होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक और वुड क्या होता है, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर होता है, तो उसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं। अब आपने, अब क्या, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्शंस मतलब कि अपवाद, मतलब कि डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के ही दोनों कंपाउंड होते हैं। डायमंड भी कार्बन का कंपाउंड होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन का कंपाउंड होता है, जो कि क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। तो अब ग्रेफाइट भी क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसीलिए इसको ड्राई सेल में इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो उस इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस आपको पता चल रहा है, नॉन मेटल्स में एक्सेप्शंस होते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट, जो कि क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, बट ये दोनों क्या है, नॉन मेटल्स है। क्लियर है सबको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्टर, ठीक है। लस्टर में क्या, मेटल्स आर लस्ट्रस, लस्ट्रस मीन्स शाइनी, तो मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, इसीलिए ज्वेलरी में यूज़ होते हैं, है ना। आपने देखा होगा गोल्ड भी लस्ट्रस है, और क्या है, सिल्वर भी लस्ट्रस होता है, इसीलिए उनको किस में, ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, दे आर डल, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डल होते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन क्या, आयोडीन, आयोडीन जो है वो क्या होता है, लस्ट्रस होता है, जबकि वो क्या है, नॉन मेटल है। क्लियर है। स्ट्रेंथ, आपने स्ट्रेंथ देखा होगा, मेटल्स आर यूजली स्ट्रांग, मेटल्स जो होते हैं यूजुअली स्ट्रांग होते हैं, दे हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। हाई टेंसिल स्ट्रेंथ मतलब कि बहुत ज़्यादा वेट भी है आराम से ले लेते हैं, जैसे कि ब्रिज, इसीलिए जो बहुत बड़े बड़े ब्रिजेज वगैरह होते हैं उनमें क्या यूज़ होता है, मेटल यूज़ होता है ना। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रांग, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो स्ट्रांग नहीं होते, दे हैव लो टेंसिल स्ट्रेंथ। ओके, सोनोरस, सोनोरस के हमने अभी पढ़ा था कि सोनोरस का मतलब क्या होता है, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रिंगिंग साउंड, है ना। मेटल्स आर सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। आप इसको एक एग्जांपल की तरफ से भी देख सकते हो, आप एक ने मेटल बॉक्स लिया और दूसरा क्या लिया, प्लास्टिक बॉक्स लिया, उसको स्ट्राइक करके देखोगे तो आपको जो मेटल वाला बॉक्स होगा उसमें आपको एक रिंगिंग साउंड सुनाई देगी, बट आप प्लास्टिक के, प्लास्टिक का जो बॉक्स होगा उसमें आपको सुनाई नहीं देगा, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, मेटल्स आर सोनोरस बट नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, हार्डनेस, हार्डनेस मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है। ऑल मेटल्स आर
हार्ड, बट एक्सेप्शन इसमें भी है। मैटर्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, उनको आप क्या नाइफ से कट नहीं कर सकते हो। आप कभी आयरन को कट कर सकते हो? नहीं कर सकते। बट इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शनल केस कौन से हैं? सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो नॉन मेटल्स है, सॉरी मेटल है, बट ये क्या होते हैं, कैन बी इजीली कट विथ नाइफ। सोडियम भी मेटल है, पोटेशियम भी मेटल है। सोडियम का सिंबल होता है Na, पोटेशियम का सिंबल होता है K, ठीक है। कैन बी इजीली कट विथ नाइफ, ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल्स आर क्वाइट सॉफ्ट। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, बट एक्सेप्शनल केस है जो डायमंड है। डायमंड, मैंने आपको पहले भी बोला कि डायमंड क्या है, कार्बन का कंपाउंड है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। बट डायमंड जो होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है, लेकिन सॉफ्ट नहीं होता। और एक और चीज़ होती है डायमंड की, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। पूरे जितने भी सब्सटेंस है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट क्या होता है, डायमंड होता है, ठीक है। आज हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, कल हम पढ़ेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। तो आपको ये नोट्स, आप नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन लर्न करेंगे आप। अगर ये नोट, ये अब जितने भी नोट्स हैं वो लर्न भी कर लोगे, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन को आप इजीली आंसर कर सकते हो। क्लियर है?